वेलकम फ्रेंड्स, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहिए, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर स्किप करते हैं तो बाद में दिक्कत परेशानी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आप अपना जाति आवासीय आय डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वो भी मात्र 5 मिनट में अपने फ़ोन से। ओके फ्रेंड्स, अपने घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन में ही अपना जाति आवासीय आय डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उन्हीं व्यक्ति का डाउनलोड होगा जो 2020 में ऑनलाइन अप्लाई किए थे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पूरी जानकारी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि डाउनलोड कैसे करना है। ओके, सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, अपने मोबाइल का गूगल ब्राउजर ओपन करना, वहाँ पर टाइप करना, आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर RTPS, इस तरह से टाइप करने के बाद, सॉरी फ्रेंड्स RTPS, उसके बाद सर्च करना। सर्च करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख ले सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ RTPS। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं RTPS का फुल फॉर्म हो जाता है R2 पब्लिक सर्विस। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर हम चलिए क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स बिहार सरकार लोक सेवाओं का अधिकार जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इधर लेफ्ट साइड यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ मैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स डाउनलोड डिजिटली सर्टिफिकेट। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है एप्लीकेशन आईडी और यहाँ एप्लीकेशन डेट। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास आपका रिसीविंग नहीं है, नहीं आपका रिसीविंग खो गया, कहीं गुम हो गया, तो उस रिसीविंग को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए पीछे चलते, पहले रिसीविंग अगर आपका खो गया तो उसे कैसे ऊपर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ प्रिंट योर रिसिप्ट यहाँ पर। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स मांगा जाएगा योर एप्लीकेशन आईडी। ओके फ्रेंड्स, तो आप जिस टाइम ऑनलाइन किए होंगे, ओके फ्रेंड्स, उस टाइम आपके मोबाइल पे जिस नंबर को वहाँ पे डाले होंगे ऑनलाइन करवाते टाइम, आपके मोबाइल पे मैसेज गया होगा। ओके फ्रेंड्स, उसमें आपका एप्लीकेशन आईडी होगा। ओके फ्रेंड्स, वहाँ से जाके इसमें अपना एप्लीकेशन आईडी टाइप कर देना है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है या तो प्रिंट पे क्लिक कर देना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अपना डाउनलोड कर लेना। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से अपना अगर रिसिप्ट आपका खो जाता है तो इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि अगर रिसिप्ट डाउनलोड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बैक चलते हैं और फिर से यहाँ पर डाउनलोड डिजिटली सर्टिफिकेट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से पेज खुलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ सर्टिफिकेट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ से पेस्ट करके पहले से रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट क्लिक कर लेना है कि किस डेट में एप्लीकेशन आप दिए थे। ओके फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स जिस डेट में मैं किया था वो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स सारा चीज़ करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लिए, तो देखिए फ्रेंड्स डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे, देखिए किस तरह से इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स डाउनलोड होने के बाद आपको पेज जो है सो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर इस तरह से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये मेरा आवासीय प्रमाण पत्र था, मतलब निवास प्रमाण पत्र। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, ये देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ डेट दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स डेट, ये देख सकते हैं 20/4/28। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग अपना आवासीय जाति आय का सर्टिफिकेट घर बैठे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर अपने मोबाइल में ही मात्र 5 मिनट में आप लोग अपना जाति आवासीय डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और तो फ्रेंड्स आप लोग को पहले क्या करना पड़ता था कि ब्लॉक पर ही जाके अपना वहाँ पर सर्टिफिकेट लेना पड़ता था जाति आवासीय आय का कोई भी चीज़। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पे सिग्नेचर भी करवाना पड़ता था। ओके फ्रेंड्स, तो अब वो ऐसा नहीं है, अब डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ मिलेगा रिसीविंग सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा डाउनलोड डिजिटली सिग्नेचर बाय उदय कुमार मिश्रा। डेट देख सकते हैं फ्रेंड्स सारा डेट यहाँ पे दिया हुआ कि वो कब किस डेट में सिग्नेचर किए हैं, 2020 अप्रैल में 28 तारीख को ये अप्लाई किया गया था मेरा, जो है सो 23 अप्रैल को किया गया था। ओके फ्रेंड्स, 5 दिन में ये मेरा बन के तैयार हो गया था। ओके फ्रेंड्स, और ये देखिए टाइम है, ये टाइम देख सकते हैं 12:30 बजे ये सिग्नेचर किया गया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स उदय कुमार मिश्रा का यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है। ओके फ्रेंड्स, जो कि अंचल अधिकारी का सिग्नेचर होते हैं,
ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग अपना सर्टिफिकेट, जाति आवासीय का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।